हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ही होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दरअसल मैंने आज कहीं घूमने के लिए इतना प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने और संडे को भी नहीं जा पाया, मतलब निकला था घूमने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, मैं कैमरा ले लिया बट कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं था। और मैं अपना जो जहाँ पर घूमने जाने वाला था वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि मैं मेमोरी कार्ड नहीं लाया हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल का मेरे गुस्सा आया था, पहले जाने दी, अपना ही गलती है। दरअसल मैंने आज ये टेस्ट करने के लिए आया हूँ कि जो अपने जो कैमरा का है वो वाइड एंगल मोड में इतना, मतलब वीडियो स्टेबलाइजेस नहीं हो रहा है, बहुत शेकिंग हो रहा है वीडियो। तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि जिसमें मतलब वाइड एंगल और अपना जो गायरो सेंसर है उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, वो सब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये 1080p 60fps में है और वाइड एंगल मोड जो है वो ऑन है। तो आगे देखते हैं कि ये वीडियो कैसा आता है, और फिर मैं अभी मैं जा रहा हूँ, फिर जब रिटर्न करूँगा उस टाइम पे मैं गायरो सेंसर ऑन करके आऊँगा, तो देखता हूँ कि कौन सा वाला अच्छा लगता है। दरअसल वाइड एंगल में क्या होता है ना, जो हमारा जो कैमरा का जो मतलब जो एंगल ऑफ व्यू आता है ना वो लगभग इतना तक आ जाता है। तो मैं अगर थोड़ा सा ये अपना हेलमेट को नीचे ले लूँ या फिर ऊपर ले लूँ, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली व्यू कर देगा कि कितना मेरे को जो व्यू चाहिए वहाँ तक ले आएगा। बट गायरो सेंसर प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा क्रॉप कर देता है वीडियो को। तो हेलमेट को मतलब पूरा प्रॉपर जो जगह, मतलब जहाँ पर मेरे मतलब अच्छा व्यू आएगा वही पर फिट रखना होगा, अगर मैं अपने मुंडी को इधर उधर से हिलाने चलता इतना तो वो प्रॉब्लम रहता है। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि चैन में किसी भी हाल में लुब्रिकेंट डालूंगा, भूल गया फिर से। आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है, लिटरली आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, इनफैक्ट मेरा शायद फ्रंट क्लस्टर से भी आवाज़ आ रहा है इधर, क्या बोलूँ। अभी मैंने उसको टाइट करवा के लाया था, यही मतलब थोड़ा प्लास्टिक बॉडी है ना इसका, फाइबर बॉडी है तो यही प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल अगर आप बुलेट बुलेट लेंगे तो उसमें क्या है, जॉइंट में इतना इश्यू नहीं आता है। फिर मैं बहुत जल्दी इसके बारे में जो मेरा मेरे हिसाब से जो 5 डिसएडवांटेजेस है मैं उसको भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग उसको देखकर पता चलेगा कि अगर कोई ड्यूक लेना चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या इश्यू आता है इसमें, बोल ही नहीं सकता। अपना ही रोड है भाई, तुम ही मौज करो। हाँ भाई, ये तो दूसरा काम साथ में मोबाइल, क्या बात है। वाह, उठ जाओ भाई, तुम उठ जाओ, तुम्हारा ही रोड है, हमारा क्या है, हम तो गरीब मानुष है। तो मैंने अपना जो कैमरा का सेटिंग था उसने चेंज कर दिया उसको। अभी जो मैंने सेटिंग किया है वो 1080p 60fps है एंड गायरो सेंसर पूरा हाई मोड पे है। सो चलिए देखते हैं आगे कैसा इसका व्यू आता है। मुझे तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है, बस थोड़ा ऊपर का जो व्यू है उससे थोड़ा ज़्यादा आता है और साइड का थोड़ा सा व्यू ज़्यादा आता है। तो चलिए देखते हैं आगे। इतना और तो असर नहीं करेंगे। फालूदा बहुत पसंद है मेरे को, फालूदा बट अभी नहीं खाऊंगा, फिर मैं तो जिम जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा डाइटिंग करना होगा और इसके लिए कंट्रोल करना होगा।
जिन्हें मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, इसलिए मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ। जितना ही बाहर जाऊँगा उतना खाने के लिए मन करेगा, मतलब बाहर निकलता हूँ बट इन सब चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता मैं। तुम मेरे को बताएगा मैं ध्यान दूंगा ना बहुत कुछ हो जाएगा। आपका मैसेज है, मैं क्या बोला, ध्यान दूंगा तो बहुत कुछ हो सकता है। इंतजार आपको आगे वीडियो चालू किया था कि नहीं किया था, अभी मैं देख रहा मेरे को कुछ दिन से ना बहुत मतलब भूलने का बीमारी हुआ है। जैसे छोटे छोटे सपोज मैंने पीछे बैग लटकाया है, भूल जाता है, उसमें चैन लगाया था खुला छोड़ जाता है। चलिए फिलहाल आज के सफर में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट मिलेंगे फिर कभी अगर दूसरा वीडियो में बनाए जल्दी तो टेक केयर टाटा। और हाँ, हमेशा हेलमेट पहन कर ड्राइविंग करें क्योंकि जिंदगी फिलहाल देखिए, दोबारा तो कभी नहीं मिलेगा। तो टाटा सी यू।